मम्मी सुनो ना, हम लोग चैलेंज वीडियो करें। अभी तो नहाई भी नहीं हो, ऐसे करोगी? ठीक है, मैं नहा लेती हूँ, तब तक आप मामा अर्थ का साबुन दे दो। चलो। ये लो बेटा। मामा अर्थ की मॉइस्चराइजिंग बाथिंग बार जो है न्यू बॉर्न बेबीज से लेकर किड्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जी हाँ, 0+ मंथ के जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। ऐसे बच्चों के लिए ये जो सोप है बहुत अच्छा है। ये जेंटली क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है और नरिश भी करता है बच्चों की डेलिकेटेड स्किन को। और इसके अंदर मॉइस्चर रिच क्रीम फॉर्मूला है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी जेंटल और सेफ है, इसलिए आप इसे हेड टू टो यूज़ कर सकते हैं। ये जो सोप है ये लोडेड है गोट मिल्क, ओट मिल और शिया बटर से। इसी की वजह से बच्चों की जो स्किन है वो सॉफ्ट और स्मूथ रहती है। ये साथ ही साथ पीएच बैलेंस के साथ आता है, यानी 5.5 पीएच के साथ आता है। इसी की वजह से जो बेबी की स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है। यह हाइपोअलर्जिक और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसलिए बच्चों के स्किन पर इरिटेट नहीं करती है। और ये कम्प्लीटली टॉक्सिन फ्री है, जैसे कि SLS फ्री है, SLES फ्री है, सिलिकॉन्स, पैराबिन, सिंथेटिक परफ्यूम एंड कलर्स फ्री है। मामा अर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। मामा अर्थ की ये जो मॉइस्चराइजिंग सोप है आपको अमेज़ॉन पर फर्स्ट क्राई और मामा अर्थ की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगी। सारे वेबसाइट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। और अगर आप मामा अर्थ के वेबसाइट से डायरेक्ट इसे ख़रीदना चाहते हैं तो अनिका का ये डिस्काउंट कूपन कोड जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ उसे ज़रूर यूज़ करिएगा, आपके 20% ऑफ हो जाएंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें इसे चेक करने के लिए। तो मिस अनिका आ चुकी है नहा धोकर फ्रेश होकर, और अब हम दोनों चैलेंज के लिए तैयार हैं। क्या हाँ, करेंगे? आइसक्रीम चैलेंज। ओके, गेस करना है ना? हाँ, गेस। ओके, अनिका ने मुझे बताया था, तो अभी हम एक एक करके आइसक्रीम गेस करेंगे और जो गलत गेस करेगा उसे पनिशमेंट लास्ट में मिलेगी। और वो देख रहे हैं आप, पैकेट्स रेडी है पनिशमेंट वाली, तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या पनिशमेंट मिली है। हाँ, तो चलिए चालू करते हैं आइसक्रीम चैलेंज। तो पहले हम आंखों में लगाएंगे मास्क। रेडी, आंखें बंद, जाके बंद। ये कितने हैं किरण? 5 दिख रहा है, मतलब 2 नहीं दिख रहा है इसका अंदर। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, 2 है। अब मैं दूंगा तुम लोग को 2 अलग अलग आइसक्रीम, दोनों सेम हो सकती है, अलग भी हो सकती है, पता नहीं मुझे। तुम लोग को बताना है कि इसका कौन सी आइसक्रीम है, कौन सा फ्लेवर है, ठीक है? दो। तो पहले मैं दिखा देता हूँ लोगों को। बताना लासी। तो पहले तो फ्लेवर बताओ। इसका फ्लेवर है चॉकलेट। इसका भी फ्लेवर है चॉकलेट। अब आइसक्रीम का नाम बताओ। क्लासी चॉकलेट। ये है अमूल फ्रोस्टी। बेबी कौन सा? क्लासी चॉकलेट। हाँ, दोनों सही। करेक्ट। अब आंखें खुल सकती है। मेरी फेवरेट वाली है। और ये मेरी फेवरेट।
अरे जल्दी दो, पहले लोगों को दिखाने दो। जब बोलूंगा तब खाना। ओके स्टार्ट। बताना भी है। अच्छा। इसका नाम है रेंज लॉली और ये है रबड़ी वाली कुल्फी। रबड़ी वाली कौन सी कुल्फी? उसका नाम बताना है। इसका और इसका टेस्ट ऑरेंज है। ये रबड़ी वाली आई थिंक बादाम है। रबड़ी बादाम है। गलत। बेबी का सही खोल सकती हो आप। ये कौन सी है? तुम्हारी है श्री सिद्धि कुल्फी और बेबी का ऑरेंज लॉली है। उसमें नाम ब्रांड का थोड़ी बताना था। बताना था, मैंने वही तो पूछा। बेबी ने बताया करेक्ट, ऑरेंज लॉली है। तुम हार गई हो। नहीं ये कुल्फी है। हाँ श्री सिद्धि कुल्फी है, दिस इज ऑरेंज लॉली। बेबी इज करेक्ट। नहीं ब्रांड के लिए नहीं था। ओके 1-0 नेक्स्ट राउंड। Round 3 मैं पहले आइसक्रीम जब दूंगा तब बोलूंगा, तब तुमको टेस्ट स्टार्ट करना ठीक है? ओके। रखो रखो, जब बोलूंगा तब। हाउ? यस स्टार्ट। बताओ। ये मैंगो है और ये अमूल का कंपनी है। तुम बताओ। और ये और ये दूध जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये दूध से जो मेरा दोनों करेक्ट, तो स्टिल पॉइंट्स आर 1-1, 1-0। राउंड नंबर 4 एंड लास्ट राउंड ठीक है। आंखें खोलो, इसका क्या है? श्री सिद्धि कुल्फी। और तुम्हारा क्या है? श्री सिद्धि कुल्फी। पटेल कुल्फी है। तो ये राउंड भी अनिका जीत गई है। इस तरह अनिका के 2 पॉइंट्स और किरण के 0 पॉइंट्स। और अब मिलेगा पनिशमेंट। पनिशमेंट के लिए तैयार हो? Yes. अब इसी कुल्फी को तुम्हें इस चारों पैकेट में जो कुछ भी रखा उसको मिला के खाना है। मुझे लगा पूछो क्या। एक काम कर सकता हूँ कि ये चार में से मैं तुमको 2 सेलेक्ट करने, 3 सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे सकता हूँ। एक बचा सकती हो तुम। ए बी सी डी 4 है, बोलो कौन से 3 चाहिए तुम्हें। देखने को नहीं मिले। हाँ नंबर बोलो। ए बी सी चाहिए, डी नहीं चाहिए। ओके नाउ यू कैन रिमूव योर इंग्रेडिएंट्स एंड सी। टोमेटो सॉस, ये पर्पसली किसी ने किया है। ये है सेजवान की वो सोया सॉस। So, क्या करना है मुझे? तुमको कुल्फी के ऊपर ये तीनों डालना है और उसके बाद कुल्फी को खाना है। अच्छा। सेजवान, सोया,
सोया ओके नाउ यू कैन ईट आर यू रेडी फॉर आइसक्रीम नाउ यू हैव टू फिनिश फुल कुल्फी यस भगवान बचा लेना जो नीचे गिरा उसको उठा उठा के ऐसा तोड़ी है कि खूब नीचे गिरा दिया नहीं मैं चम्मच ला के दूंगा उसको पूरा खाना है वेरी गुड वो मैं समझ सकता हूँ कितना टेस्टी लग रहा फिनिश करो नहीं नहीं वो नहीं फिनिश करनी ये मैं खा सकता हूँ चम्मच से खाओ चम्मच से खाओ पब्लिक समझ सकती है शेजवान सोया सॉस और टोमेटो सॉस मिला के कुल्फी खाने का मजा उल्टी करने का मन तो नहीं हो रहा कटोरा लेके आओ क्या मेरे फेस से लग रहा है आपको कितना देर तक कंट्रोल करोगी अब रो ही लो रो लो रो लो रो लो मन हो रहा मुझे पता लाइक जरूर करना लाइक जरूर करना शेयर करना सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बेल बटन भी दबाना और अपने बच्चों को मामाअर्थ सोप से नहलाना क्योंकि मामाअर्थ सोप से नहाने से खूबसूरत ही नहीं दिखते जीतते भी हैं चैलेंज में पहले मुझे क्यों नहीं बताया मैं भी मामाअर्थ सोप से नहा लेती हारता कौन ओके गाइस बाय बाय